नमस्कार, संध्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम अमृतसरी नान कुलचे बनाएंगे। इसके लिए हमने एक कप मैदे को हमने छान के ले लिया है और इसमें हम आधा चम्मच नमक मिला लिए हैं और आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको अब हम गुनगुने पानी से गूथेंगे। इसको बिल्कुल लूज बनाना है, लूज गूथना है। अब आटा हमने ये गूथ लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। इसको एक किनारे में हटा देंगे। अब हम इसका मिक्सर बनाएंगे। सबसे पहले हम बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे। अब हम इसमें ये हमने छोटा टुकड़ा पनीर का लिया है, इसको मैंने फोक से क्रश कर लिया है और इसको हम प्याज में मिला देंगे। साबुत धनिया कूटा हुआ आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, भुना जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक आधा चम्मच और ये बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा बारीक कटी हुई लहसुन। इन सभी को हम हाथ से हम मिलाएंगे। हाथ से मिलाने के बाद हम इसको छोटे छोटे गोल गोल सा बना करके इसको फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। ये हमने फिलिंग के लिए तैयार करके रख लिया है। अब ये आटा हमारा पूरी 15 मिनट हो गया है। अब आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, उसको हम एक बार और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और आटे को इस पे रख करके मस लेंगे। बेलन पे भी हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हाथ से ही हम ऐसे फैलाएंगे इसको। अब वापस से हम फिर इस पे घी लगाएंगे। और फिर इसको हम मोड़ेंगे और इसको हल्के हाथों से फैलाते जाएंगे। इस पे हम दोबारा से फिर घी लगाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको घी लगाएंगे और इस पर हम थोड़ा सा सूखा धनिया भी इसको हम डालेंगे और इसको दबाते जाएंगे।
इसको हम कई बार मोड़ते जाएंगे। फिर घी लगा करके हम इसको ऐसे ऐसे रोल करेंगे। ये अच्छी तरह से हमने इसको रोल कर दिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फिर से हम ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे को लेकर के दोबारा इसको हम इसको चार पीस जितनी करनी चाहे, चार या पांच, जितनी बड़ी बनानी है हम उसको पीस पीस कर लेंगे। अब हम एक लोई को लेंगे और हम इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। और इसमें हम एक ये पनीर का मिक्सर इसको डाल के इसको चारों तरफ से हम ढक देंगे। अब इसे हमें बेलना नहीं है, हाथों से ही हमें फैलाना है। तब तक हम गैस को, गैस पे हमने तावा गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको हल्के हाथों से ही फैलाते रहेंगे। नीचे हल्का सा पानी लगाएंगे। ये ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। हम इस पे धनिया की पत्ती भी डाल करके इसको दबाएंगे चारों तरफ से। अब ये हमारा हो गया है। अब तावा गरम है, अब हम इस पे डालेंगे। हम इसके पीछे पानी लगाएंगे। अब हम इसको गरम तावे पे डाल के और हाथों से ही इसको फैलाते जाएंगे। आंच को बिल्कुल सिम रखना है। अभी इसको सिकने देंगे थोड़ी देर। ये हल्का सिक गया है। अब हम इसको तावे को हम ऐसे उल्टा करेंगे और इसको धीमी आंच पे ऐसे घुमा घुमा करके सेकते रहेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से ऐसे दबा देंगे। ये हमारा बनके ही तैयार भी हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। ये हमारा कुलचा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको परोस सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।